भोजपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी के 38 वर्षीय नियाज अहमद को उनके ही परिवार वालों ने जमीन के कुछ टुकड़ों के हिस्सों के आपसी विवाद को लेकर छुरा से मारकर घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार जमीन का बंटवारा तो कुछ दिन पहले ही लग चुका, तब नगर कागजात पर हस्ताक्षर करने को लेकर पहले नोट छूट शुरू हुई, फिर उसके बाद उनके पिता निसार अहमद और दो भाई मुख्तार अहमद एवं मुमताज अहमद ने ही मिलकर पहले मारपीट किया और उसके बाद छुरा से वार कर दिया, जिससे अपने आप को बचाने के क्रम में छुरा उनके हाथ पर आ लगी, जिसके कारण वह जख्मी हो गए। बने रहे टीवी N7 न्यूज के साथ। कैसे हुआ जमीन का विवाद चल रहा है, मेरे फादर हमको मतलब दे दिए कि तुम यहाँ से यहाँ तक घेर लो, घेर करके कागज पत्र बना लो। जब कागज जब घेर लिया तो कागज पत्र बनाने लगे तो कह के अभी मत बनाओ, अभी नहीं बिखेंगे हम। और उसके बाद से आज उन लोगों ने मेरा गाड़ी छीन लिया, मुमताज मुख्तार ये मेरे दो भाई है और उनके साथ दो संख्या में और लोग थे, हम उन लोग नहीं पहचान गए। किस चीज से मारा है लोग? ये खसी जब हमने वाला छुरा था उसी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाज अहमद है। घर चकिया थाना मुफस्सिल।